गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू विद्या 24। सो गाइस, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं साइंस बायोलॉजी का मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में देखे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच वन इज इनकरप्ट, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, कौन गलत है। तो फूल एक रूपांतरित तना है, या फिर नारियल नारियल के फल को ड्रूप कहते हैं, या फिर प्याज लिलियसी कुल का पौधा लिलियसी, या फिर सर्वसंधि तना पर पाया जाता है। ठीक है, तो इनमें से कौन जो है असत्य, कौन गलत है, उसको क्लियर करना। तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं फूल, तो फूल तना का कोई रूपांतरित भाग नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका ए नंबर जो होगा वो रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। तो क्वेश्चन नंबर टू क्या है कि इनमें से किसे एम्फीबियन ऑफ पादप किंगडम कहा जाता है, एम्फीबियन ऑफ पादप किंगडम कहा जाता है। ठीक है, तो स्पोरोगायरा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, या फिर इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ब्रायोफाइटा। तो एम्फीबियन ऑफ द पादप किंगडम जो होता है वो ब्रायोफाइटा कैटेगरी में आता है, ब्रायोफाइटा कैटेगरी में। क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, तो बोल रहा है कि एंजाइम, एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को कहा जाता है। तो एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो प्रो एंजाइम, या फिर को एंजाइम, एपो एंजाइम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एपो एंजाइम। ठीक है, एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को क्या कहलाता है, एपो एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, तो इनमें से किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी एक्चुअल में क्या, एक्चुअल में अगर बोला जाए टैक्सोनॉमी किसको बोला जाता है, तो जितने भी खाने वाला पदार्थ या फिर एनिमल्स हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, इसका नामांकरण, साइंटिफिक नामांकरण, वैज्ञानिक नाम देने वाले जो पर्सन है उसी को बोला जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो इनमें से फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, मेंडल को, हुकर को, बैथम को, या फिर लिनियस को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लिनियस। लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि लिनियस का पूरा नाम क्या था, लिनियस का पूरा नाम क्या था। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, बरगद के पेड़ से लटकी मोटी जड़ों को कहते हैं, मोटी जड़ जो सहारा प्रदान करता है बरगद के पेड़ को, तो इन जड़ों को क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर बोला जाता है, या फिर अवस्तंभ जड़ बोला जाता है, या स्तंभ जड़, या फिर वप्र मूल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्तंभ जड़। बरगद के पेड़ से लटकी मोटी जड़ों को क्या कहते हैं, तो स्तंभ जड़ कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, तो सिम्प्लास्टिक गति के दौरान, सिम्प्लास्टिक गति के दौरान डैश के द्वारा जल का परिवहन होता है। ठीक है, सिम्प्लास्टिक गति के दौरान किसके जरिए, किसके द्वारा जल का परिवहन होता है, कोशिका द्रव के जरिए, कोशिका भित्ति के जरिए, कोशिका द्रव और कोशिका भित्ति दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोशिका द्रव। ठीक है, सिम्प्लास्टिक गति के दौरान कोशिका द्रव के जरिए, कोशिका द्रव के द्वारा जल का परिवहन होता है। क्वेश्चन नंबर सेवन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, तो अनाक्षी श्वसन, अनाक्षी श्वसन में ग्लूकोज के अपूर्ण विखंडन के स्वरूप बनता है। ठीक है, अनाक्षी श्वसन में ग्लूकोज के अपूर्ण जब विखंडन होता है तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है। नॉर्मली अगर ऑप्शन देखा जाए तो ग्लूकोज एवं सी ओ टू, एच टू ओ यानी पानी एवं सी ओ टू, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रुक्टोज एवं जल, या फिर एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेवन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, अनाक्षी श्वसन के में ग्लूकोज के अपूर्ण विखंडन के फलस्वरूप एल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड यानी सी ओ टू बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्रेज शारीरिकी शारीरिकी किस प्रकार के पौधे में पाई जाती है? क्रेज शारीरिकी किस प्रकार के पौधे में पाए जाते हैं? C3 पौधे में, C4 पौधे में, C5 पौधे में, या फिर सभी पौधों में? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि C5, C5 पौधों में पाए जाते हैं। क्रेज शारीरिकी जो होता है वो C4 पौधे में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? दलहनी पौधों के जड़ों में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? दलहनी पौधों के जड़ों में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टरम या फिर नाइट्रोसोमोनस या फिर सीडोमोनस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राइजोबियम। दलहनी पौधों के जड़ों में राइजोबियम नाम का जीवाणु पाए जाते हैं, और ये राइजोबियम नाम का जीवाणु क्या करते हैं? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जिससे कि पैदावार फसल जो है वो अच्छी फसल हो सके, पैदावार जो है वो अच्छा हो सके, ठीक है। इसीलिए राइजोबियम नाम का जीवाणु क्या करता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, और वो जैसे कि किसान लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक जो है वो प्रदान करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन क्या है? किसी वृक्ष की उम्र जानने की अच्छी विधि क्या है? किसी वृक्ष का अगर उम्र जानना है तो इसके लिए राइट प्रोसेस क्या है? तो पत्तियों की संख्या गिनकर, या फिर इसका व्यास नाम कर, वार्षिक वलय की गणना करके, या फिर शाखाओं की संख्या गिनकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वार्षिक वलय की गणना करके। वार्षिक वलय की गणना करके हम क्या कर सकते हैं? किसी भी वृक्ष के उम्र को जान सकते हैं वार्षिक वलय की गणना करके। और अगर दूसरा बात अगर बात किया जाए तो वार्षिक वलय की मोटाई और पतलाई को देख करके हम उस वर्ष में आने वाले जो रेन वर्षा जो होता है, वर्षा कितना अधिक हुआ है, वर्षा कितना कम हुआ है, इसकी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या है? तो रेसिमोज पुष्प क्रम में सबसे छोटा फूल सबसे क्या है? सबसे कहाँ पर रहता है? तो ऊपर में रहता है, नीचे रहता है, मध्य में रहता है, या फिर कहीं भी हो सकता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो रेसिमोज पुष्प क्रम में सबसे छोटा फूल सबसे कहाँ होता है? ऊपर में, नीचे में, मध्य में, या फिर कहीं भी? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊपर में रहता है, ठीक है। कहाँ रहता है? ऊपर में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 12, तो पौधों में पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा होती है? पौधों में पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा होती है? अंतःशोषण, परासरण, विसरण, या फिर बिंदु स्राव, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परासरण विधि द्वारा। पौधों में पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा होती है? तो परासरण विधि द्वारा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या है? क्रैब साइकिल यानी क्रैब चक्र कहाँ होता है? कोशिका द्रव में, माइटोकांड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, या फिर लाइसोसोम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माइटोकांड्रिया में। क्रैब साइकिल माइटोकांड्रिया में होता है, जिसमें ATP का साइंथेसिस होता है और जिससे कि एनर्जी का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए, माइटोकांड्रिया को बिजली घर भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या है? तो जिब्रेलिन्स का सर्वप्रथम आविष्कार हुआ था। तो जिब्रेलिन्स का सर्वप्रथम आविष्कार कहाँ पर हुआ था? शैवालों से, कवकों से, जीवाणुओं से, या फिर आवृत बीजों से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कवकों से, ठीक है। जिब्रेलिन्स का सर्वप्रथम आविष्कार कहाँ हुआ था? तो कवकों से हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्या है? तो काल्विन चक्र किस पर रहता है? तो प्रकाश पर निर्भर करता है,
प्रकाश पर निर्भर नहीं करता है, केवल प्रकाश में ही होता है या फिर केवल अंधेरे में होता है। ठीक है, काल्विन चक्र कहाँ होता है? प्रकाश पर, केवल प्रकाश, प्रकाश पर नहीं, केवल प्रकाश में ही या फिर केवल अंधेरे में ही। तो काल्विन चक्र जो होता है नॉर्मली अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश पर निर्भर नहीं करता है। काल्विन चक्र जो होता है वो लाइट पर डिपेंड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? तो इनमें से कौन तत्व क्लोरोफिल के संरचना का एक घटक है? इनमें से कौन तत्व क्लोरोफिल की संरचना का घटक है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज या फिर नाइट्रोजन? तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि Mg। ठीक है, मैग्नीशियम जो होता है वो इनमें से जो है मैग्नीशियम तत्व क्लोरोफिल की संरचना का एक घटक है। तो क्लोरोफिल की संरचना का घटक Mg हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? पारगति, पारगति किस अवस्था में होता है? पारगति किस अवस्था में होता है? लैक्टोटीन में, जाइगोटीन में, पैकेटीन में या फिर डिप्लोटीन में? डिप्लोटीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पैकेटीन। पारगति किस अवस्था में होता है? तो पैकेटीन में। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। तो वह संभवन बंडल में जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है को क्या कहा जाता है? क्या बोल रहा है? वह संवहन बंडल जिसमें, यहाँ पे जिसमें होगा, जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? आर्य कहते हैं, बाह्य पोषवाही कहते हैं, उभय पोषवाही कहते हैं या जाइलम केंद्रीय कहा जाता है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उभय पोषवाही। क्या है? उभय पोषवाही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है, प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है। क्या है? केंद्रिक, राइबोसोम, क्रोमेटीन या फिर कोशिका झिल्ली? क्या है? केंद्रक, राइबोसोम, क्रोमेटीन या फिर कोशिका झिल्ली? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राइबोसोम। क्या होगा? राइबोसोम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? द्विपद नाम पद्धति में कौन कौन से दो नाम होते हैं? द्विपद नाम पद्धति जो टैक्सोनॉमी जिसको बोला जाता है, तो द्विपद नाम पद्धति जो है एक अरेंजिंग प्रोसेस से नाम का, इसमें कौन कौन से नाम आता है? जीनस और स्पीसीज आता है, जीन्स और ऑर्डर आता है, जीन्स और फैमिली वगैरह या फिर जीन्स या फिर क्लास। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीन्स और स्पीसीज, जीनस और स्पीसीज। चलिए तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि वीडियो कैसा लगे, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।